आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की सियाज गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर का कंप्लेन क्या है कि जब कस्टमर गाड़ी रात को बंद करते हैं, रनिंग करके जाते हैं, दिन भर शाम को खड़ा करते हैं, तो सुबह तक बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होता है। ये दो तीन दिन से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि परसों रात को भी इनका हमारे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहीं लोकल में सर्विस कोई बैटरी वाला था, उसे जम करा के गाड़ी घर पे लेके गए, खड़ा किए, फिर डिस्चार्ज हो गया। तो कल शाम को हम गए थे गाड़ी देखने के लिए, चेक करने के, तो फिर भी डिस्चार्ज हो गया था। तो हमने कल भी जम करके गाड़ी यहाँ पर लाया, और ला के रात को हमने यहाँ पर मतलब रनिंग करके जब यहाँ लाए तो स्टार्ट हो रहा था, फिर हमने रात भर इसको छोड़ दिया। आज सुबह हम चेक करते हैं कि स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं। ये देख सकते हैं, मिराज बोनट ओपन कीजिए, देखिए अभी भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इग्निशन ऑन हो रहा है, तो बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया है। तो हम चेक करेंगे कि इसका बैटरी क्यों बार बार डिस्चार्ज होता है। एक बार आगे जाइए, देखिए पूरा एकदम डेड दिखा रहा है, थोड़ा भी ग्रीन नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसका बैटरी और खोल के माइनस का कि बैटरी मतलब गाड़ी करेंट तो नहीं खा रहा है। अगर कुछ सिस्टम अगर शॉर्ट रहता है तो उसको से बैटरी करेंट खाता है गाड़ी। तो हम एक बार चेक करते हैं करेंट खा रहा है क्या। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, तो इसका मतलब इस गाड़ी में करंट खाने का इश्यू है, इसके लिए हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ये देखिए कितना भयंकर करंट खा रहा है, या ऐसा करंट खाना नहीं चाहिए फ्रेंड। जब हम बैटरी में ऐसा टच करते हैं तो एक बार ब्लिंक जल कर फिर बंद हो जाना चाहिए। देखिए बंद नहीं हो रहा है। तो हम अभी करंट किस कारण से खा रहा है, क्या इसमें शॉर्ट है, अल्टरनेटर शॉर्ट है, या टेप शॉर्ट है, या कोई डोर क्लोज नहीं हो रहा है, जो भी है हम पहले चेक करेंगे, फिर चेक करके आपको बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो हमने गाड़ी को स्टैंड पे ले लिया है, स्टैंड पे लेके इसका अल्टरनेटर का सॉकेट निकालते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटर का सॉकेट निकाल के फिर चेक करते हैं हमारा करंट खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्योंकि आ रहा था कि फ्रेंड इसका अल्टरनेटर अगर शॉर्ट रहेगा ना तो भी करंट खाएगा। देख सकते हैं आप लोग, हम इसका सॉकेट निकाल रहे हैं अल्टरनेटर का, निकाले ना, बाहर आके चेक करो, तो सॉकेट पीछे लो। हाँ ठीक है, देखिए इसका सॉकेट है अल्टरनेटर का जो हमने निकाल दिया है। हमने अब अल्टरनेटर का सॉकेट निकाल दिया है, अब बैटरी में टेस्टर लगा के एक बार चेक करते हैं कि हमारा जैसा प्रॉब्लम था वैसे सेम प्रॉब्लम है, करंट खाना बंद हो गया है। दूसरा टेस्टर क्या हुआ, तो देख सकते हैं अभी भी सेम वैसे ही प्रॉब्लम है, अभी भी करंट खा ही रहा है। देखिए तो ये हमारा अल्टरनेटर का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कुछ और चेक करते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, अल्टरनेटर का सॉकेट लगा दीजिए। तो हम अब और चेक करेंगे एक बार, इसका टेप का सॉकेट निकाल के देखेंगे, नहीं तो फैन का सॉकेट निकाल के देखेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे कि किससे हमारा करंट खाना बंद होता है। तो हमने इसका फ़ैन का भी सॉकेट निकाला है, अभी एक बार चेक करो, अभी भी फ्रेंड वही प्रॉब्लम है। छोड़ दो, वो वाला सॉकेट लगाओ, ये वाला दूसरा वाला सॉकेट निकाल के देखो फैन का। तो हमने इसका दूसरा फैन का भी सॉकेट निकाला है, फिर से एक बार चेक करते हैं, चेक करो ज़रा, ये बाजू करो, नहीं अभी भी वैसी प्रॉब्लम। ठीक है लगा दो, दोनों फैन का सॉकेट लगा दो अच्छे से, कोई फैन का से लगा दिए ना। एक कंप्रेसर का जरा एक बार निकालो, अभी एक बार चेक करो टेस्टर से, ठीक है छोड़ दो, ये भी लगा दो, इसका रूफ लाइट वाइट, डिक्की का लाइट वाइट कुछ नहीं जल रहा है ना। एक काम करो, जरा पीछे डिक्की में बैठो, तो डिक्की खोल के देखने का है कि डिक्की का लाइट बंद कर होता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका डिक्की का जरा लाइट चेक कर लेते हैं कि डिक्की क्लोज करने पे डिक्की का लाइट बंद होता है कि नहीं, अगर वो लाइट जलता रहेगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा।
देखिए जैसा कि ये लाइट जल रहा है तो हम डिक्की क्लोज करके देखते हैं कि डिक्की का लाइट बंद होता है कि अंदर बैठो आराम से। तो अब हम डिक्की क्लोज कर रहे हैं, बंद हो रहा है लाइट। लाइट बंद हो रहा है, ठीक है बाहर आ जाओ। तो फ्रेंड ये भी हमारा बराबर है डिक्की का भी। तो अब हम चेक करते हैं थोड़ा इसका टेप का भी सॉकेट वॉकेट निकाल के चेक करेंगे कि टेप शॉर्ट होने के कारण भी ऐसा होता है। तो हम एक एक चीज़ का एक एक बार चेक करते हैं फिर हम आपको इसमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम की वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, करंट खा रहा है हमारा। अब फाइनली हम इसका टेप ओपन करने जा रहे हैं। टेप ओपन करके और इसका एक बार सॉकेट निकाल के और फिर चेक करेंगे हमारा करंट खाने का इशू बंद होता है कि नहीं। तो फाइनली हमने इसका फ्रंट टेप ओपन कर दिया है। अब टेप ओपन करके इसका सॉकेट निकालते हैं हम और सॉकेट टेप का सॉकेट ओपन करके ये देखिए हमने टेप का सॉकेट ओपन कर दिया है। अब इसका हम लाइट चेक करते हैं कि अभी भी करंट हमारा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। चलिए आगे आ जाइए। हमने ये टेप का सॉकेट आपके सामने ओपन कर दिया है। अब हम चेक करते हैं अभी भी हमारा वही प्रॉब्लम है कि बंद हो गया है। देख सकते हैं हमारा सेम अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो इसका टेप का इशू नहीं है तो टेप को हम वैसे फिक्स कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी हमारी कार करंट खा रही है, इसमें करंट लीकेज का प्रॉब्लम है। तो हमने इसका फॉल्ट पकड़ लिया है। हम आपको इसका फॉल्ट दिखाते हैं। हमने इसका डोर पैड भी ओपन किया था मास्टर स्विच चेक करने के लिए क्योंकि कभी कभी ये भी करंट खाता है। हमने क्लस्टर मीटर भी खोला है, अभी इसका कपलर लगाया है, देख सकते हैं आप। ये रूफ लाइट भी हमने खोला है, देखिए पीछे का भी रूफ लाइट हमने खोला है। डिग्गी का भी लाइट खोल के रखा है करंट लीकेज टेस्टिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम है क्लस्टर मीटर का, यही करंट लीकेज कर रहा है। अब हम आपको इसका सॉकेट निकाल के दिखाते हैं। हमने इसका क्लस्टर मीटर बाहर निकाल दिया, देख सकते हैं आप, ये है इसका क्लस्टर मीटर। अब हम इसका करंट लीकेज टेस्ट करेंगे। देखिए इसका टेप वगैरह भी हमने लगा के रखा है, इसका कपलर लगा के रखा है, ये देखिए। ये देखिए टेप का हमने कपलर लगा के रखा है लीकेज टेस्ट करने के लिए। टेप का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्लस्टर मीटर का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं आप। हमने ये टेस्टर लगा के रखा है, ये वायर है इसका, ये वायर एक बैटरी टर्मिनल में लगाया है, एक टर्मिनल के इधर वायर में लगाया है। देखिए अभी हमारा लाइट नहीं जल रहा है, ये देखिए प्रॉपर तरीके से लगाया है हमने। देखिए अभी लाइट नहीं जलता है। देख सकते हैं आप एकदम प्रॉपर तरीके से वायर इसमें लगा के रखा है टर्मिनल में और एक टर्मिनल के इधर वायर में, फिर भी हमारा लाइट नहीं जलता है। अब हम आपको क्लस्टर मीटर का दिखाते हैं लोकेशन। देख सकते हैं आप हमने क्लस्टर मीटर भी खोल के रखा है क्योंकि क्लस्टर मीटर में ही प्रॉब्लम है, इसके वजह से ही बैटरी ड्रेन होता है, कस्टमर का कंसर्न भी यही है। ये देखिए अभी लाइट जलने लगा क्योंकि हमने दरवाज़ा खोल के बंद किया इसके लिए। अब इसको दोबारा लगाएंगे निकाल के तो अभी नहीं खाएगा करंट, इसको पहले इसमें लगाना पड़ेगा, इधर लगा के फिर अभी लगाएंगे। ये देखिए करंट नहीं खा रहा है, करंट लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड। अब हम मीटर को चेक कराएंगे मीटर में क्या शॉर्ट है, फिर आगे का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा मीटर रिपेयर होके आ चुका है। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि इसका मीटर का प्रॉब्लम था, मीटर की वजह से इसका करंट खा रहा था, तो हमने मीटर को रिपेयर करा दिया है। और रिपेयर करा के अभी फिटिंग करते हैं गाड़ी में और फिटिंग करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो करंट खाने का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है इसको फिट कीजिए।
खाली सॉकेट लगाइए इसका। लॉक कीजिए। बैटरी वाली निकालिए, बैटरी वाली निकालिए, चेक कीजिए, लगाइए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा करंट खाना बंद हो गया है। ये देखिए, हमने इसमें वायर लगा के रखा है, देखिए। तो हमने इसका मीटर रिपेयर किया, मीटर में प्रॉब्लम था, बाकी इसमें हमने बहुत सारे चीज़ चेक की है, तो किसी में प्रॉब्लम नहीं निकला। अल्टरनेटर का सॉकेट निकाल के देखा, ये बोनट का जो स्विच आता है इसका सॉकेट निकाल के हमने देखा, पावर विंडो का जो बटन आता है उसका सॉकेट निकाल के देखा, टेप हमने डिसकनेक्ट करके देखा। देखिए टेप हमारा अभी तक खुला हुआ है, आ जाइए, छोड़ दीजिए। देखिए हमारा टेप खुला हुआ है, हम आपको खोल के दिखाते, रुकिए। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमने इसका मीटर का सॉकेट लगा दिया है। देखिए मीटर हमने प्रॉपर फिट नहीं किया है, सिर्फ सॉकेट लगा के हमने चेक किया था कि हमारा करंट खाना है जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। हमने इसका टेप भी ओपन किया था, देखिए इसका स्क्रू अभी तक लगाया नहीं है, और इधर का जो क्रोम पट्टी था वो भी सब हमने लगाया नहीं है। हम एक बार स्टार्ट कर लेते गाड़ी, स्टार्ट करके और उसके बाद फिर बाकी जो सारी चीज़ें ओपन की वो सारे फिट कर देंगे। ये देखिए हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएम का काटा, देखिए। तो फ्रेंड हम ये सारे चीज़ें जो भी चीज़ें ओपन किए थे वो सारे फिट कर देते हैं। देखिए हमारा डोर का पैड भी सब सिर्फ हमने फंसा के रखा है, ये भी ओपन है, क्योंकि डोर पैड का हमने ओपन करके इसका जो पावर विंडो का स्विच आता है उसका सॉकेट निकाल के हमने चेक किया है। तो पावर डोर पैड हम पूरा फाइनल कर देंगे, टेप पूरा फाइनल कर देते हैं, मीटर पूरा फिट कर देते हैं, सब फाइनल करके फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसका जो भी चीज़ ओपन किया था, देखिए सारे चीज़ फिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मीटर रिपेयर होके आ गया है और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो इसके लिए हम जो भी चीज़ इसका ओपन किए थे सब फिट कर देते हैं। टेप वेप हमने बिठा दिया है प्रॉपर जगह पे, सिर्फ इसका स्क्रू लगाना बाकी है। तो अंसारी जी हमारे सब स्क्रू स्क्रू लगा रहे हैं, बाकी सब हमने बिठा के दे दिया है, सिर्फ स्क्रू लगाना है और एक क्रोम पट्टी लगाना है, वो भी लगा देंगे। देखिए मीटर में सिर्फ दो ही स्क्रू आता है और दो ऊपर लॉक आता है, दोनों स्क्रू ओपन करके और धीरे से आप खींचेंगे अपनी अपने तरफ तो मीटर आपका बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड इसके क्लस्टर मीटर में प्रॉब्लम था, इसका क्लस्टर मीटर का जो एक आईसी आता है वो शॉर्ट हो गया था, तो अंदर ही करंट लीक होता था, इसके वजह से इसका बैटरी डिस्चार्ज होता था। तो हमने वो आईसी को चेंज करा दिया है, तो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है गाड़ी में। अभी हमारा बैटरी करंट थोड़ा भी नहीं खा रहा है, तो अभी सब हम फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इस गाड़ी को फिर से एक दिन के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक दिन खड़ा करने के बाद इसका बैटरी वीक हो जाता था, डाउन हो जाता था। तो इसके लिए हम पूरा फिट कर देते हैं, फिट करने के बाद हम एक बार एक दिन के लिए पूरा गाड़ी छोड़ देंगे, फिर सुबह के स्टार्ट करके चेक करेंगे। मीटर इसका क्लस्टर मीटर ओपन करने के लिए इतने सारी चीज़ें ओपन करना पड़ता है, हमने सारी चीज़ें ओपन किया था, अभी फिट कर रहे हैं। सिर्फ इसके नीचे के कवर में दो स्क्रू दिया है, बाकी सब प्रेसिंग है, बाकी सब आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। टिप बिठा दीजिए, जोर से प्रेस कीजिए पलक। बस दोनों स्क्रू लगाइए टिप का,
तो ये हमारा टेप भी पूरी तरह से फाइनल फिट हो चुका है। देख लीजिए, थोड़ा भी इसमें गैप नहीं है, देखिए प्रॉपर हमारा फिट हो गया है। और ये ऊपर का एक सिर्फ क्रोम पट्टी बाकी, वो भी हम लगा देते हैं। इसका पूरा खाँचा देखिए, पहले लॉक देख के धीरे धीरे एक एक साइड से प्रेस करते जाइए। देख सकते हैं हमारा क्लस्टर मीटर भी फिट हो गया है। हमारा टिप हमने ओपन किया था चेक करने के लिए, वो भी फिट कर दिया है। हमारा जो रूफ का लाइट था, देखिए आगे पीछे का सब हमने फिट कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हमारा डोर पैड भी पूरा प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। हमने इसका हमने मीटर रिपेयर किया है, मीटर में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अभी हमारा गाड़ी देखिए स्टार्ट भी है, अभी हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखा है। चाहिए तो आपको इंजन का साउंड सुनाते, देखिए देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये हमारा प्रॉपर पूरा काम हो चुका है, ठीक है। बंद कर दीजिए फ्रेंड, तो हमारी गाड़ी चालू थी, देख सकते हैं। अब हम गाड़ी को बंद कर देते हैं, बंद करके गाड़ी को लॉक कर देते हैं। और लॉक करके देखिए हमने गाड़ी बंद कर दिया है, ये हमारी गाड़ी लॉक भी हो गई है। तो फ्रेंड, हम गाड़ी को बंद कर दिए हैं, लॉक भी कर दिए हैं, क्योंकि हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया, देखिए शाम हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको सुबह सुबह कल आएंगे मॉर्निंग में, और आकर और उसके बाद गाड़ी का लॉक अनलॉक करके और उसके बाद एक बार चेक करेंगे कि हमारा बैटरी जो ड्रेन होता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है, फिर भी तसल्ली के लिए हम सुबह एक बार आके एक बार चेक कर लेंगे कि बैटरी ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बैटरी ड्रेन तो होगा नहीं। और उसके बाद कल सुबह आके एक बार चेक करेंगे, अगर हमारी गाड़ी ओके रहेगा तो हम कस्टमर जी को कल गाड़ी डिलीवरी दे देंगे। अभी हम रात भर इसको ऐसी छोड़ देते लॉक करके। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया था कि हमने इस गाड़ी को पूरा रात भर के लिए छोड़ दिया था, देखिए अभी हम सुबह आए हैं। तो अब एक बार इसका गाड़ी का लॉक ओपन करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा बैटरी ड्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था। तो हम एक बार चेक करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए लॉक तो हमारा ओपन हो रहा है, एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है हमारी गाड़ी की। देखिए हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए हाथ चल में हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। आप आज का काटा देख सकते हैं, ये देखिए हमारा आज काटा गाड़ी का बात, देखिए चाहे तो फिर से एक बार बंद करके चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने चाबी निकाल लिया है, देखिए ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है। फ्रेंड, इस गाड़ी में बैटरी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था। क्या होता था, कस्टमर जी जब बैटरी मतलब जैसे गाड़ी रनिंग करके गए और रात में खड़ा कर दिया तो सुबह तक पूरी तरह से ड्रेन हो जाता था, सिर्फ टक टक वो आ जाता था। तो वहाँ से गाड़ी लाने के बाद हमने भी एक दिन रखकर इधर ट्राई किया, सेम प्रॉब्लम था। तो हमने इसका बहुत सारे चीज़ें चेक किए कि बैटरी क्यों खा रहा करके, हमने इसका बैटरी टेस्टर से बैटरी भी चेक किया, अल्टरनेटर भी चेक किया। हमारा बैटरी टेस्टर में इसका अल्टरनेटर और बैटरी दोनों ओके बताया। तो फिर हमने इसका बैटरी का माइनस का वायर खोल के चेक किया कि करंट तो नहीं खा रहा है कोई चीज़। तो बहुत चेक करने के बाद हमें मिला कि इसका जो क्लस्टर मीटर आता है उसका आईसी एक आता है जो शॉर्ट हो गया था, इसके वजह से वो पूरा स्पार्क होता था करके रात भर में करंट खा के बैटरी ड्रेन हो जाता था। तो हमने इसका मीटर रिपेयर किया है, और मीटर रिपेयर करने के बाद हमारा गाड़ी ओके हो गया है। तो आज का हमारा ये वीडियो था कि अगर आपका गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आता हो, बैटरी डिस्चार्ज होता हो, तो सबसे पहले तो आप उसका बैटरी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद से उसका अल्टरनेटर चेक कर लीजिएगा। अगर दोनों बराबर है तो फिर माइनस का वायर निकाल के एक बार चेक कीजिएगा, करंट तो नहीं खा रहा है। करंट खाता रहेगा तो हमने क्या क्या प्रोसेस किया है इस वीडियो में वो सब चेक कीजिएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज का हमारा वीडियो था, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।